बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे की राजनीति काफी दिलचस्प है। चाचा भतीजा के खिलाफ रणनीति बनाता है और कभी साथ भी आ जाता है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की चर्चा आप लगातार सुनते होंगे, लेकिन वो राजनीतिक चाचा और राजनीतिक भतीजे हैं, लेकिन यहाँ अपने चाचा भतीजे की हम कहानी कहेंगे। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की चर्चा होगी, जहाँ अब पुरानी लोजपा दो लोजपा हो चुकी है, एक साथ दो लोजपा बिहार में एग्जिस्ट कर रही है। किसके पास कितना पावर है, किसके पास कितनी शक्ति है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है। और ऐसे में पशुपति पारस को लेकर जो चर्चाएं आए दिन उठती हैं, पशुपति पारस के मंत्री बनाए जाने के बाद चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, उसके बाद खुद चिराग पासवान बिहार भ्रमण करने लगते हैं, जनाधार को मजबूत करने लगते हैं। चिराग को समझ आता है कि अब पार्टी के अंदर और पार्टी को बचाने के लिए एक ही रास्ता है। लेकिन चिराग पासवान जहां बिहार में लोगों को जोड़ रहे हैं, वहीं चिराग पासवान अपनी पार्टी को तोड़ रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी उनसे नहीं संभल रही है। चर्चा इस बात को लेकर इसलिए है कि हाल ही में छोड़े कई नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी के अव्यवस्था की पोल खोली। हाल ही में पार्टी के कई प्रवक्ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी के अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई फोरम नहीं है बातचीत करने का, अपनी बातों को रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। दरअसल चिराग पासवान पर यह आरोप चाचा पशुपति पारस ने भी लगाए, कहा कि चिराग पासवान जिस तरीके से करते हैं, वो रामविलास पासवान की संपत्ति के वारिस तो हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक वारिस नहीं हो सकते हैं। और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के अंदर और उनके खासम खास कई लोग नाराज हैं। दिल्ली में जो बैठक हुई, उस बैठक में जो अव्यवस्था दिखी, वो साफ बता रही थी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार में है, ऐसे में जो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, तो उसमें अव्यवस्था कितनी है, कई बातें सामने आई। और पिछले दिनों चिराग पासवान के खासम खास, चिराग के हनुमान कहें, कृष्णा कल्लू ने पार्टी छोड़ा, और जिस तरीके से वफादारी से पार्टी छोड़ने के बावजूद चिराग पासवान के साथ लगे रहे, जबरदस्ती लगे रहे। दरअसल लोजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया, पहले उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद लोजपा ने निष्कासित कर दिया, उसके बाद वो जबरदस्ती उस पार्टी के सदस्य अपने आप को बताते थे, लेकिन हालिया समय में उनका भी मोह भंग हो गया। दरअसल पिछले दिनों पार्टी के महिला प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ी और लगे हाथ पशुपति पारस की पार्टी को ज्वाइन किया और कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं है वहां। और ऐसे में चिराग पासवान के खासम खास हनुमान को भी अब बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। खबरों की माने भाजपा, जदयू और अब तो चाचा पशुपति पारस ने भी रेड कार्पेट बिछा दिया है। दरअसल खबर है कि कृष्णा कल्लू को लेकर कहीं ना कहीं चाचा पशुपति पारस ने यह प्लान बना लिया है। चिराग पासवान के विभीषण के तौर पर ये पशुपति पारस के लिए काम कर सकते हैं। दरअसल चिराग के खासम खास रहे हैं, चिराग पासवान के साथ लंबे समय से हैं, रामविलास पासवान को आदर्श बताते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यशैली क्रियाकलाप को लेकर नाराज हैं। राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए और इन आरोपों के अनदेखी को लेकर चिराग पासवान से उनकी नाराजगी दिखी। चिराग पासवान ने पार्टी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया उनको अपनी बात रखने का, और इसी से नाराज उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर जो चर्चा है और जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है कि पार्टी के अंदर अव्यवस्था है। और ऐसे में अब पशुपति पारस की तरफ से उन्हें ऑफर मिला है, अगर वो इस ऑफर को स्वीकार करते हैं तो बिहार में खास तौर पर लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा के बीच जो लड़ाई है, वो लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ जाएगी। और दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे की पार्टी में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में चाचा पशुपति पारस पिछले दो महीने से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस को ज्वाइन किया है, और ऐसे में खबर यह है कि पशुपति पारस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बातचीत हो रही है, उससे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं में विश्वास बढ़ा है, इसलिए कि उन्हें आभास हो चुका है कि वो एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे। वहीं
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े बड़े नेताओं के अंदर अविश्वास है कि आने वाले दिनों में चिराग को टिकट नहीं भी मिले, गठबंधन में नहीं भी शामिल हो, और यही वजह है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता भी पशुपति पारस के संपर्क में हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।